नमस्कार आप टेलर्स ऑनलाइन देख रहे हैं मैं हूं डॉक्टर आशीष द्विवेदी आने वाला वीडियो एक सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन है एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस तरीके के पंद्रह हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो तीन हजार से ज्यादा पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा टीपीपी प्रोग्राम टेस्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रोग्राम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट है त्रियंबक डॉट ओ आर जी दिस क्वेश्चन ऑफ द डेक्सा डेक्सा वेरी मच रिलेटेड टू द कार्टिओसोन जो कार्टियोसॉल है उसके स्ट्रक्चर को मिमिक करता है और कार्टियोसॉल ग्लूकोस्टिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बाइंड करता है और उसको फिर न्यूक्लियस में लेके जाता है यह याद रखने की जरूरत तो है इस क्वेश्चन के पूरे के पीछे थीम यही है कि डेक्सामेथासोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स या जी जीआर को बहुत तेजी से न्यूक्लियस में लेकर जाता है से ज्यादा ताकि उसका एक्सप्रेशन बढ़ सके तो स्टेरॉइड का स्टेरॉइड सिग्नलिंग को एनहांस करने का काम डेक्सामेथासोन करता है तो अगर हम डेक्सामेथासोन के साथ अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के साथ अगर हम बीटा गलेक्ट्रोसाइडे डाल दें तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा बीटा इलेक्टोसाइडेज कब एक्सप्रेस हो रहा है और अगर हम एंटीबॉडी ले रहे हैं विच इज पर्टिकुलरली इम्यूनोफ्लोरिस एंटीबॉडी ले रहे हैं स्पेसिफिक फॉर बीटा इलेक्टोसाइडेस तो ग, जी आर कहां कहां जा रहा है वो हमें पता चलेगा तो एक्सप्रेशन ऑफ बीटक इलेक्ट्रोसाइड अलोन इन दाइटोसोल इन एबसेंस ऑफ द डेक्सा अगर आप बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज ले लेंगे ले 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 उसका तो से कोई लेना देना नहीं आ, लेकिन अगर आप इस बीटा बीटागलेक्टोसाइडेज को जीआर के साथ यानी ग्लूकोकोटिकॉइड रिसेप्टर्स के साथ अगर आप अटैच कर दें

कि जी आर को न्यूक्लियस में लेकर जाना तो बी इज ऑल्सो करेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द बी आर इन द न्यूक्लियस गलत है एक्सप्रेशन ऑफ बीटा इलेक्ट्रोसाइड इज जी आर इन न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज करेक्ट तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ यहां पर आप देखो कि जो है, ये जो है को डायमराइज कर रहा है और उसको तुरंत न्यूक्लियस में लेकर जा रहा है तो कार्टियोसोल के स्ट्रक्चर को मिमिक करता है डेक्सा इसी वजह से ए करेक्ट है बी करेक्ट है और डी करेक्ट है आप लोग आराम से जो मैंने बोला है उसको आराम से रिवाइंड करके देखेंगे तो आंसर मिलेगा